और मैं बिराने जाए कैसे मरवा दूं वहां पे ले जाके बैठा के। दूसरी बात, 5% का फायदा उनको मिलेगा जिसने राजस्थान की धरा पर जन्म लिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों गुड़गांव पैदा हुए। इस 5% का फायदा तो उनको भी नहीं मिलेगा। मेरी तो बात छोड़ दो आप, मैं तो सिर्फ समाज के लिए, मैं गुर्जर हूं और मैं मेरे समाज के लिए लड़ रहा हूं। उस लड़ाई से मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं है तो मुझे मेरे समाज की लड़ाई के लिए रोक दे मुझे कोई। कल हमें दुगनी संख्या में आना है, कल हमें दुगनी संख्या में आना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको मानना, नहीं अच्छी लगे तो मत मानना। कल हमें यहां खाली हाथ नहीं आना है, कल हमें खाली हाथ नहीं आना है। देवकरण बाबा की तरह हमारे हाथ में भी लट होगा। कल हमें कोई किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें कोई सड़क नहीं तोड़नी, हमें कोई गाड़ी नहीं फूकनी, हमें कुछ नहीं करना। सिर्फ हमें अपना बल दिखाना है। इस सरकार को, हमारी किस सरकार से लड़ाई है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारे किसी एक इंडिविजुअल आदमी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे हक की लड़ाई है। वो लड़ाई हमारी सरकार से है। और सरकार हमारी बात कब सुनेगी? सरकार हमारी बात तब सुनेगी जब हम उसको अपना बल दिखाएंगे। हर आदमी कहता है कि भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ। कहां जुटाए भीड़? अरे भीड़ जुटेगी कैसे? भीड़ तो जब जुटेगी जब आप लोग घर से निकलोगे। भीड़ तो जब दिखेगी जब आप सब लोग ये सोच के चलोगे कि मैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैठ रहा हूं। आज वो आदमी 13 साल से हमारे समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। अरे उसके बच्चे तो रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, कोई IAS है, कोई IFS है। उसको कहां जरूरत पड़ी है आरक्षण की? उसको तो कोई जरूरत नहीं है। कर्नल से वो रिटायर है, 1 लाख रुपए तो उसकी पेंशन है। उसको कहां जरूरत है आरक्षण की? लेकिन सिर्फ समाज के लिए लड़ रहा है वो आदमी। कोई ऐरा गहरा नथू गहरा मुंह फाड़ कुछ भी बोल देता है किसी के बारे में। क्यों? खुद तो कुछ करने की इच्छा है नहीं और दूसरों को करने मत दो। हर आदमी ये कहता है भगत सिंह बनो, भगत सिंह बनो। अरे बनो भगत सिंह, मना किसने किया है? लेकिन सभी देखते हैं कि तू बन भगत सिंह। सब चाहते हैं